हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग समवेयर। लाइक काफ़ी टाइम बाद हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। ऐसे हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, सिर्फ सरोजनी नगर के लिए, क्योंकि हमें वहाँ एक्सप्लोर करना है। कि अमीरी देखो हमारी, सिर्फ सरोजनी नगर के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, बट सरोजनी तो जाएंगे। वी आर ग्रेटफुल, जहाँ भी जा रहे हैं अच्छा है, जा तो रहे एटलीस्ट। यस गाइज, चलो पैकिंग करते हैं, अब स्टार्ट। हम सबसे पहले एसेंशियल्स हमारे जो भी है वो डालेंगे, लाइक क्रीम्स वगैरह। अब निकाला है लाइक ये थोड़ा स्किन केयर वगैरह है, देन थोड़ा मेकअप बहुत ही लिमिटेड लिया है हमने, सिर्फ कॉम्पैक्ट लिपस्टिक्स टेंट वगैरह मस्कारा एंड ऑल। लाइक पूरा मेकअप नहीं लिया, बस इतना इतना लिया है। सो नाउ वी आर पैकिंग आवर बैग एंड दिस इज़ हाउ आवर बैग लुक लाइक। इसमें हम हमारे क्लोथ्स डालेंगे, उसमें भाई के होंगे, एंड ये अभी तक हम अरेंज कर रहे हैं। शी इज़ अरेंजिंग हर कोट एंड ऑल, एंड बस वो हमारा एक बैग और है, देन थोड़ा यहाँ पे भी है, बस इतना ही है। हम आ गए हैं स्टेशन, फील्स टू गुड, बीकानेर जंक्शन आ गए हैं हम। चलो चलो। हेलो ब्रदर, ये हम पहुँच गए हैं दिल्ली स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। अब हम लेंगे मेट्रो। हमारे भाई को अकेला छोड़ दिया, हमारे साथ नहीं आया। स्टे अवे। सो अभी मेट्रो पूरा खाली है, केवल कोई नहीं बैठा है, अच्छा है, ब्लॉक कर पा रहे हैं। बीच में हम रात में नहीं कर पाए थे क्योंकि सो गए थे, और वहाँ पे एकदम ऐसी खराटे वाली आवाज आ रही थी, तो हमने किए भी नहीं। सो अभी हम ब्लॉक कंटिन्यू करते हैं। अभी हम जा रहे हैं हमारे मासी के घर पे। आ गए हैं हम हमारी बिल्डिंग में, हमारी नहीं मतलब हमारे मासी के घर की बिल्डिंग में। एंड और कौन सा है भाई, चलो चलते हैं, देखते हैं भाई लेके जाएगा जो लेके जाएगा हमको। हम चलते हैं, आवाज़ काफ़ी धीरे आ रही होगी बिकॉज हमें आदत नहीं है ऐसे शूट करने की। अभी हम नहा के आ चुके हैं, अभी भी फेस काफ़ी ऐसे दर्द सा लग रहा है, बट चलो कोई ना, अब रेडी होते हैं। आज हम फर्स्ट डे है आज, और आज हम जाएंगे सरोजनी एंड जनपद, देखते हैं दोनों हो पाएंगे या सिर्फ एक हो पाएगा। ओके, शर्ट ओपन स्टाइल में ना, थर्मल वेरी इम्पोर्टेंट। सो आई एम डन विथ माई मेकअप, बहुत ही मिनिमल मेकअप किया, सिर्फ लाइनर एंड ऑल लगाया है। अब हम चेंज करेंगे। सो दिस इज़ माई फुल आउटफिट, ये मेरी सिस्टर का आउटफिट था, एंड हमने लिया था एक बैग बड़ा सारा जिसमें हम सामान लेके आएंगे, इसके अंदर एक और टॉट बैग था। तो चलो चलो सरोजनी। मिस्ड स्टेशन, सिर्फ हमारे भाई की वजह से एक स्टेशन मिस हो गया, तो अभी हम दूसरा स्टेशन जाएंगे। अब हम आए हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए, बिकॉज भूख लग गई है, स्टेशन छूट गया था, मेट्रो चेंज की है। एंड अब मैं ले रही हूँ स्वीट कॉर्न, यहाँ पे हमने लिए थोड़े जूस एंड केक्स। तो सबसे पहले हमने खाया थोड़ा सा स्वीट कॉर्न। एंड अब फाइनली हम बैठ गए थे सरोजनी नगर की मेट्रो में, अब वहाँ जाके शूट करेंगे। एंड यहाँ पे हम थोड़ा व्लॉग करने में शर्म आ रही थी, इसलिए हम बैठे थे, सीट मिल गई थी। फाइनली हम सरोजनी आ गए थे, सरोजनी के आउटर में थे हम, एंड हमें यहाँ पे क्लचर्स का शॉप दिखा, बहुत सारी शॉप्स थे यहाँ, 50-50 में क्लचर्स का पूरा पैकेट था, हमने भी एक ले लिया बटरफ्लाई वाला। देन थोड़ा आगे जाते ही स्वेटर्स वगैरह थी, बुक्स वगैरह थी, एंड हमने वो देखी। बुक्स के लिए मेरी बहन बार्गेनिंग कर रही थी। वी आर एट सरोजनी नगर, अभी हम आउटर में हैं, अब हम अंदर जाएंगे थोड़े टाइम बाद। अभी ये मेरे भाई पता नहीं क्यों एयरपोर्ट के ऊपर इतना टाइम वेस्ट कर रहा है या ले रहा है एयरपोर्ट। जब तक मेरा भाई एयरपोर्ट्स ले रहा था, मैंने कुछ खाने का सोचा, एंड मैंने लिया था ये। हम खा रहे हैं ये, आई डोंट नो इन फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, एक तो ड्रैगन फ्रूट है, एक एप्पल है, ये सर एक स्टार वाला कुछ है, इट्स टू टेस्टी, बहुत अच्छा लग रहा है ये खाने में, बहुत यम्मी है। एंड फाइनली हम आ गए थे सरोजनी नगर, और अब हम करेंगे इसमें एंटर। एंटर करते ही मुझे काफ़ी अच्छी कैप्स वगैरह की शॉप मिली थी, एंड साइड में जो है कॉस्मेटिक वगैरह की शॉप थी। फिर हम पूरा घूमने लग गए, मैं थोड़ा इयररिंग्स वगैरह देखने लग गई, क्योंकि गर्ल्स हैं तो इयररिंग का तो ऑब्सेशन था ही हमें।
यहाँ पे थी 50-50 में इतने प्यारे इयररिंग्स, पर हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया गाइस। हमें घर आके इस बात का रिग्रेट हुआ है, काफ़ी इयररिंग्स बीडेड वाले 50 रुपीज़ में ओनली आप देख सकते हैं। देन थोड़ा आगे जाते हमें ये ऑक्सीडाइज इयररिंग मिले, ये भी आई गेस 50 और 80 का था वन पेयर, एंड थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो वो कम भी कर देते, बट हमारे टाइम आई डोंट नो उन्होंने कम किया नहीं। फिर थोड़ा स्टॉल्स था जिसमें 150-200 में स्वेटर्स वगैरह थे, मोस्टली सारा विंटर वेयर था। कलेक्शन है बेल्ट एंड ऑल का, कॉर्सेट बेल्ट्स है, काफ़ी सुंदर सुंदर हैवी बेल्ट्स भी है, लाइक अगर आप इंडियन एंड वेस्टर्न वेयर पे स्टाइल करें तो। एंड ये उसके बाद घूमते घूमते मुझे लग गई भूख, तो मैंने ये लिया था बुट्टा, एंड मेरा भाई मुझसे छीन रहा था इसलिए मैं उसको आगे भी दिखाने लग गई थी। फिर मेरे भाई ने और बहन ने लिया था शेक एंड आइसक्रीम आई गेस। देन हम आगे चलने लग गए, फिर हमें दिखी ये हील्स की शॉप जिसमें हील्स थी 250 में एंड फ्लैट्स वर ऑफ 250, हाँ दोनों। फिर एडी की रिंग्स वगैरह था, नेकलेस थे, इनका सबका प्राइस अलग अलग था। लाइक आगे का हमने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद हम आ गए जनपद मार्केट, आगे घूम के हम आ गए थे यहाँ गुजराती लेन में, जनपद गुजराती लेन के पास। एंड ये जनपद मुझे सरोजनी के अकॉर्डिंग महंगा लगा थोड़ा, एंड यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी हाई थी चीज़ों की, बट आप बार्गेनिंग करोगे तो आई थिंक वो लोग नीचे आ जाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं वहाँ से, ना बार्गेनिंग की। एंड कलेक्शन इनका काफ़ी अच्छा था बट ओवर प्राइस था गाइस। हमारे पास टाइम की कमी होने की वजह से हमने कुछ भी नहीं लिया, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हमने लिया डिनर, हम लोग गए थे मैकडी कुछ खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। एंड दैट्स इट फॉर डे वन, डे टू एंड हम रेडी हो चुके हैं अभी। कल का हम ज़्यादा कुछ रात में शूट नहीं कर पाए, हम एक दो जगह गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। आज डे टू हम कंटिन्यू करते हैं, होप सो ये कंटिन्यू अच्छे से हो, एंड अब हम डे टू का ही व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो या स्टे ट्यून्ड। सो गाइस हमने कर ली थी कैब मेट्रो स्टेशन जाने के लिए क्योंकि आज हम जा रहे हैं गुड़गांव, एंड अब हम लेंगे मेट्रो। आधा व्लॉग तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग मेट्रो में ही ट्रैवल करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग गए थे सबवे कुछ खाने के लिए क्योंकि वापस वहाँ पे घूमना है तो कुछ पेट पूजा करके ही जाना चाहिए। वहाँ पे हर तरह के फूड था, हमने लिया था मैकडी एंड सबवे से हमने लिया था रैप एंड ग्रिल्ड सैंडविच आई गेस, और ग्रिल्ड ब्रेड आई डोंट नो मुझे याद नहीं है। यहाँ मैं ठूस रही थी खाना एकदम, और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, कल मैकडी का भी बहुत टेस्टी था। हमने यहाँ पे कुछ खा पी के फिर हम चल दिए वापस कैब में मेट्रो स्टेशन की ओर क्योंकि अभी तक गुड़गांव और भी आगे है। यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था गाइस। फिर हम पहुँच गए जहाँ हमें जाना था जो था जूपर, ये है एक ट्रैम्पोलिन पार्क। तो अंदर आते ही इन्होंने हमें दे दिया था ये सॉक्स क्योंकि ट्रैम्पोलिन पार्क में ही पहनना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो रखा था क्रिसमस के लिए, सो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्नो एंड डेकोरेट किया हुआ था सेंटा वगैरह से, एंड ट्रैम्पोलिन पार्क कुछ ऐसा दिख रहा था। काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी यहाँ जाते ही, एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू प्ले एडवेंचर एंड डू एडवेंचर। डेकोरेशन वाज टू गुड एज यू ऑल कैन सी, काफ़ी सुंदर लग रहा था सब कुछ। और उसके बाद हम चल दिए हमारे बैंड्स लेने। सो गाइस ये हमारे ट्रैम्पोलिन एंड एडवेंचर पार्क का हमारे बैंड्स है, एंड अब हम जाएंगे इस ट्रैम्पोलिन में। अंदर से ट्रैम्पोलिन पार्क कुछ ऐसा लग रहा था लाइक हम लोग आ गए थे मज़े करने लग गए थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मुझे इन सबसे थोड़ा सा फोमो है। मैं अपनी बहन के साथ थोड़ा बहुत जो भी था मैं कर रही थी, जंपिंग वगैरह। देन हमने यहाँ पे एंटर होते ये जो टैडी वाला गेम है वो भी खेला, एंड हम सब इसमें हार गए। पता नहीं ये टैडीज आते क्यों नहीं है यार, एकदम आके छूट जाते हैं, बट चलो कोई ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उसके बाद हम यहाँ पे ये जो कुछ है ऐसा कर रहे थे बैलेंस वाला, मैं यहाँ पे गिर गई थी, बट एक वीडियो था जिसमें मैं कर रही थी पूरा अच्छे से, एकदम मैंने ये कर लिया था, बट वो वीडियो आई डोंट नो कहाँ गई। उसके बाद हम यूँ ही मज़े करते करते यहाँ खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे, थक गए थे बहुत ज़्यादा गाइस, मज़ा आया था बहुत ज़्यादा यहाँ। एडवेंचर पार्क में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, मैंने बस ये वाला किया था एक, एंड ये साइकिल वाला यहाँ से आना था वो किया था जो कि बहुत ही अच्छा था, बट मैंने मिस कर दी कुछ कुछ चीज़ें। ट्रैम्पोलिन एंड एडवेंचर पार्क हो चुका है, वी आर डन विद दैट। एडवेंचर हो गया गाइस, मैंने इतना नहीं किया बिकॉज मेरे को थोड़ा फोमो है इन सब चीज़ों का, इन दोनों ने किया एंड दे वर टू गुड। फिर हमने मेट्रो से ले लिया था रिक्शा एंड चल दिए थे डीएलएफ मॉल। गाइस नाउ वी आर गोइंग डीएलएफ मॉल, एंड हमने ब्लॉगिंग काफी कम करी है क्योंकि हम मेट्रो में कब से इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, अब हम रिक्शा में जा रहे हैं एंड
हम मॉल जाएंगे DLF, देन हम दिल्ली हाट जाएंगे। DLF मॉल में एंटर करते ही हमें यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह दिखी आगे क्रिसमस की, जो कि बहुत अच्छी थी। फिर हम अंदर गए, अंदर काफ़ी बढ़िया मॉल था, बट हम पूरा अच्छे से घूम नहीं पाए। हम सिर्फ मिनीसो गए थे एंड उसका वीडियो लेना मैं भूल गई थी। उसके बाद हम आ गए थे दिल्ली हाट। दिल्ली हाट पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं बाय किया, कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह ये सब बाय किया। फिर घर जाने का टाइम हो गया था, हमारी ट्रेन थी, सो हमने खाना खाया, डिनर किया बर्गर किंग में एंड चल दिए। हम लोग अभी मासी के घर वापस आ चुके हैं एंड टोटल व्लॉग हम कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश में थे मेट्रो, वहाँ हमने आधे से ज़्यादा तो मेट्रो ही चेंज की है। एंड अभी हम घर पे आ गए हैं, हम दिल्ली हाट गए थे, उसके बाद तो मेट्रो चेंज की, फिर हम थोड़ा सा खाने पीने के लिए रुके थे कश्मीरी गेट, देन हम वापस अभी रोहिणी वेस्ट में आ गए हैं मासी के घर। अब यहाँ से पैकिंग करेंगे वापस सामान की एंड देन 11:20 की हमारी ट्रेन है, तो अब घर जाएंगे फाइनली इतनी भागदौड़ के बाद। तो आपसे मिलते हैं स्टेशन पे, बाय बाय। झोला उठा के चल दिए हैं एंड दैट्स इट फॉर दिल्ली व्लॉग। अब हम आपको शेयर करेंगे हम लोग क्या क्या लेके आए हैं कुछ ही टाइम में, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।